पहली शिक्षा, पहला मैसेज होगा। आश्रम में रहे हैं, इतने लोगों के साथ रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये सबकी लाइफ के लिए बहुत रेलेवेंट होगा। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधरते हैं तो झुक जाएं, लेकिन बार बार अगर आपको ये झुकना पड़े तो रुक जाए, रुक जाए। एक मैंने चीज़ सीखी है हमेशा कि आपको नम्र विनम्रता की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, लेकिन आपको किसी को ये भी अधिकार नहीं देना चाहिए कि आपको अब्यूज़ करे, कभी नहीं। और कई बार स्पिरिचुअलिटी के नाम में बहुत खपता है, सहन करो सहन करो सहन करो, इसमें लोगों का अब्यूज़ हो जाता है, इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है कई बार। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्ते अगर झुकने से रिश्ते सुधरते हो तो झुक जाओ, लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। ये एक मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग रही है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी सीखी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। ज़िंदगी में बस अपने ईगो को लेकर बैठ कर नहीं चलता। हमारा जो एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा और जिसने बहुत ज़्यादा लाइव्स को इम्पैक्ट किया है, वो है जहाँ मैंने अपनी कमजोरी बताई थी कि जहाँ मैंने अपने फादर को सॉरी नहीं बोला था, उनसे मैंने 2 साल तक बात नहीं की थी, और हर साल मैं अपने पिताजी से मिलने जाता था ये सोच कर कि उनको माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये जो अहंकार होता है ना, ये आपको कहता है कि मैं सही हूँ, और मैं सही था भी, ऐसे आज भी मुझे लगता है, यही तो अहंकार होता है। तो मैंने अपने पिताजी से माफ़ी नहीं मांगी, और एक दिन मेरे पिताजी चले गए और मैं गया और अब माफ़ी मांगने की कोई मेरे पास गुंजाइश ही नहीं बची। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। ये बहुत ज़्यादा मैंने अपने इन सालों में देखा है, और मैंने इसको अपनी लाइफ में थोड़ा कोशिश किया है, स्पेशली मेरे फादर के इंसिडेंट के बाद, तो ये ज़्यादा भीतर जाके ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू मेरे लिए बन गई है। अगर आप तीसरी चीज़ पूछिएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है मैंने सीखा है, जिम रॉन जो है बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने कहा कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो 5 चीज़ लोग, वो जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। बहुत सुंदर, दैट्स लवली।